हेलो दोस्तों, आपके अपने एक एक ज्ञान भारती चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैंने आपको बताया था त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं जो सूत्र था बहुत इम्पोर्टेंट था दोस्तों, मैंने आपको हल करके पूरा बताया था। तो आज मैं प्रश्नावली 8.4 हल कराऊंगा दोस्तों। ये प्रश्नावली 8.4 वो जो सर्वसंख्याएं मैंने आपको बताया था उसी पर हल होगी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए दोस्तों, हम आपको प्रश्नावली 8.4 हल करके दिखाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए है उसे हमें कोट के रूप में व्यक्त करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम सवाल को लगाते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है हमारा साइन ए कामा सेक ए और टैन ए कोट के पदों में हमें व्यक्त करना है दोस्तों। यहाँ पर लिख देते हैं कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लेंगे साइन ए, साइन ए। तो चलिए दोस्तों, हम साइन ए लेते हैं। तो दोस्तों, साइन ए हमारा होता है बराबर 1/ कोसेक ए। दोस्तों, साइन ए हमारा होता है 1/ कोसेक ए। तो दोस्तों, हमें सर्वसंख्या में ऐसा सूत्र लेना है जिसमें साइन ए आता हो, सॉरी दोस्तों, साइन ए आए या ना आए, कोसेक ए आए और हमारा कोट भी आए, क्योंकि हमें कोट के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा दोस्तों सूत्र है 1+ कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा सूत्र है। इसमें देखिए दोस्तों, कोसेक भी आ रहा है और कोट भी आ रहा है। तो ये सूत्र दोस्तों यही हमारा तीसरा लगेगा, तीसरे से ही सूत्र लगेगा दोस्तों। दोस्तों, हमें साइन ए को कोट ए में बदलना है। तो इसके लिए दोस्तों, जो है हमारा 1+ कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमें लिखना है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1+ कोट स्क्वायर थीटा दोस्तों। तो दोस्तों, हम ले लेते हैं 1+ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र ले लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों, हम लिखेंगे 1+ कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, हमें यहाँ कोसेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर ए है, तो इसी को हम चाहे यहाँ पर ए मान लें या थीटा, इससे हमारा कोई नहीं फर्क पड़ेगा। हमें कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1+ कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम दोस्तों कोसेक थीटा निकालें तो हमारा आएगा 1+ कॉट स्क्वायर थीटा पूरे का रूट। दोस्तों, ये जो वर्ग है ये इधर चला आएगा तो ये रूट बन जाएगा। अब दोस्तों, अगर हम कोसेक थीटा को अगर कोसेक ए मान लें, तो यहाँ पर है कोसेक ए,
कोसेक ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम ए माने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। तो कोसेक ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए पूरे का रूट। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए बराबर वन अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी दोस्तों थीटा के स्थान पर हम ए माने हैं, ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए पूरे का रूट। तो दोस्तों यही हमारा ये साइन ए है, इसको हम बदल दिए कॉट के रूप में। देखिए दोस्तों कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए कहा गया था, तो ये कॉट के पद में हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये साइन वाला हो गया। अब हम सेक वाला निकालते हैं, दूसरा है सेक ए। तो दोस्तों सेक ए को अब हम हल करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम सूत्र पे देखते हैं, यहाँ पर दूसरा सूत्र है दोस्तों वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सेक ए को कोट में बदलना है, तो सेक एक सेक ए यहाँ पर भी है दोस्तों, और सेक यहाँ पर भी है इस सूत्र में, और टेन भी है, टेन को हम लिख सकते हैं वन अपान कोट। तो दोस्तों कोट में बदलना है तो ये भी यही सूत्र लगेगा हमारा दूसरा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों इसी पर हम लगाते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम लिख सकते हैं चूँकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों हमें सेक का मान निकालना है, तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल टू हो सकता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो वर्ग है इधर चलाएगा तो ये पूरे का रूट हो जाएगा दोस्तों। तो हम अगर सेक थीटा को ए मान लें तो सेक ए बराबर हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ए माने हैं तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए पूरे का रूट। तो सेक ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए पूरे का रूट, यहाँ लिखेंगे सेक ए बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर ए पूरे का अंडर रूट। अब दोस्तों इसे हम हल करेंगे, क्योंकि अभी ये हल नहीं हुआ, ये टेन के रूप में है और हमें बदलना है कोट के रूप में। तो सेक ए दोस्तों इसे हम क्या कर सकते हैं, वन प्लस टेन ए होता है हमारा दोस्तों, टेन ए होता है वन अपान कोट ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वन अपान कॉट स्क्वायर ए। अब उसके बाद दोस्तों सेक ए बराबर पूरे का अंडर रूट, इसका हम हर समान करेंगे तो कैची कूड़ा करेंगे, तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपान कॉट स्क्वायर ए। अब उसके बाद दोस्तों ऊपर का रूट ऊपर कर देंगे और नीचे का रूट नीचे कर देंगे। चलिए करते हैं, सेक ए बराबर हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, इसका रूट हो जाएगा पूरे का बटा कॉट स्क्वायर ए, इसका भी रूट हो जाएगा अलग। अब उसके बाद दोस्तों सेक ए बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, दोस्तों अगर हम इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कॉट ए हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है ये हट जाता है।
तो हो जाएगा कॉट ए। दोस्तों यही हमारा हो गया सेक ए, कोट ए के कोट ए में बदल गया दोस्तों। ये हो गया दूसरा आंसर। अब उसके बाद दोस्तों हम लगाते हैं सवाल नंबर तीसरा। तीसरे में है दोस्तों टैन ए, टैन ए इसको हमें बदलना है कोट के रूप में। तो दोस्तों आपको पता होगा टैन ए होता है हमारा वन पान कोट ए, तो बराबर हो जाएगा वन पान कोट ए। तो दोस्तों ये कोट के रूप में हो गया, ये हमारा हो गया तीसरा आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम सवाल नंबर दूसरा लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर दूसरा हम देखते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त, सेक ए के पदों में लिखिए दोस्तों। दोस्तों जो हमारा साइन ए होता है उसे सेक ए में बदलना है, कोस ए को भी सेक ए में बदलना है, और टैन को भी बदलना है, कोसेक को, कोसेक को भी बदलना है, और कोट को भी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे हम लगाते हैं। चलिए दोस्तों सवाल नंबर दूसरा। साइन सॉरी दोस्तों साइन ए कॉमा कॉस ए कॉमा टैन ए कॉमा कोसेक ए कॉमा कोट ए को सेक ए के पदों में लिखिए। दोस्तों चलिए हम लगाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम साइन ए, साइन ए। तो दोस्तों आपको पहली सरलसम का आपको पता ही होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो दोस्तों अगर हम साइन साइन स्क्वायर थीटा अर्थात साइन थीटा निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर साइन थीटा निकालेंगे तो आएगा हमारा वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा पूरे का अंडर रूट। तो चलिए दोस्तों अगर हम इसे साइन ए मान लें तो बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कोसेक स्क्वायर ए। साइन ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट वन माइनस कोसेक, सॉरी दोस्तों वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद दोस्तों साइन ए है, हम यहाँ साइन ए लिख देंगे, साइन ए बराबर अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमारा यहाँ पर ए है। अब उसके बाद दोस्तों इसे हम हल करेंगे। साइन ए बराबर हो जाएगा हमारा वन, सॉरी दोस्तों पहले अंडर रूट वन माइनस कॉस को हम लिख सकते हैं दोस्तों वन अपान सेक, यहाँ हो जाएगा वन अपान सेक स्क्वायर ए। अब दोस्तों हम इसका
इसका हम अगर हम कैंची गुड़ा करें तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक स्क्वायर ए पूरे का अंडर रूट। अब दोस्तों हम ऊपर का अंडर रूट ऊपर कर देंगे और नीचे का रूट नीचे। चलिए दोस्तों करते हैं आगे, तो हमारा हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए इसका भी रूट। दोस्तों हो जाएगा हमारा साइन ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस वन अंडर रूट। दोस्तों अगर हम सेक स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा सेक ए, क्योंकि इसका वर्ग है, वर्ग होता है तो वो हट जाता है, तो सेक ए हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो हमें दोस्तों साइन ए को सेक के रूप में बदलना था, तो ये सेक ऊपर भी हो गया और नीचे, तो दोस्तों ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा है दोस्तों हमारा कॉस ए, कॉस ए। तो दोस्तों आपको पता होगा कॉस ए होता है हमारा वन पान सेक ए, वन पान सेक ए। दोस्तों ये हल हो गया दूसरा। अब उसके बाद हम लेंगे तीसरा, तीसरा है हमारा टैन ए। तो दोस्तों टैन ए आपको दूसरी सर्वसंख्या तो आपको पता ही होगी दोस्तों, ये दूसरी सर्वसंख्या वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टेन भी है और सेक भी है, तो यही हमारा दूसरी सर्वसंख्या लगेगी दोस्तों। यहाँ लिख देंगे चूँकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, क्योंकि हमें टेन ए का मान निकालना है, तो बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो दोस्तों अगर हम थीटा को ए मान लें तो टेन ए बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टेन ए बराबर अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा तीसरा आंसर, सेक के रूप में बदल गया दोस्तों। तो चलिए अब हम चौथा लगाते हैं। चौथा है हमारा कॉट ए, कॉट ए। तो दोस्तों आपको पता होगा कॉट ए का उल्टा होता है वन पान टेन ए, तो हम लिख सकते हैं वन पान टेन ए। उसके बाद कॉट ए बराबर, दोस्तों अभी टेन ए का मान निकाले हैं हम लोग सेक स्क्वायर अंडर रूट हाफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो वन अपान अंडर रूट हाफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। दोस्तों ये हो गया हमारा कॉट ए का मान। अब दोस्तों पांचवा निकालते हैं, पांचवा है हमारा कोसेक ए। दोस्तों कोसेक ए होता है हमारा वन पान साइन ए, उसके बाद दोस्तों कोसेक ए बराबर हो जाएगा हमारा वन पान, अभी दोस्तों हम साइन ए का मान निकाले हैं दोस्तों यहाँ पर,
साइन ए हमारा है अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए। तो यहाँ हम साइन ए के स्थान पर लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक ए। तो दोस्तों ये सेक ए हमारा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा हमारा कोसेक ए बराबर सेक ए अपान अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन। दोस्तों ये हो गया हमारा पांचवा छठवा सेक ए है ही है हमारा सेक ए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इसके आगे का वीडियो हम मैं अब अगले वीडियो में बताऊंगा, पूरा चैप्टर हल कराऊंगा दोस्तों, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।